नजर बदली नजारे बदले, कश्ती का रुख बदला किनारे बदले। मायसेल्फ चंदूलाल राणा, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड ट्रेनर, पॉजिटिव थिंकर एंड काउंसलर फॉर डाइवोर्स केसेस, सुसाइड केसेस एंड कैंसर पेशेंट। वेलकम फ्रेंड्स, तथास्तु, मैं आपका स्वागत है। कहते हैं नसीब हम पहले से लिखा के लाए हैं। कई लोग कहते हैं मेरे नसीब में नहीं था, अरे हमारे कर्मों में नहीं था, हम ऐसे रह गए कि हमारा नसीब खराब है। क्या ये बात सच है? डेस्टिनी इज रिटन। यस, डेस्टिनी इज रिटन। काफी सच है कि डेस्टिनी इज रिटन, बट ये भी सच है कि डेस्टिनी कैन बी री रिटन। डेस्टिनी वापस लिखी जा सकती है, नसीब वापस लिखा जा सकता है, ये भी उतना ही सच है। कैसे सच है? बर्थ और डेथ प्री डिसाइडेड, हमारे हाथ में नहीं। जन्म हमारा कहाँ होगा, किसके घर होगा, हमें पता नहीं, इसका डिसीजन हम नहीं ले सकते। उसी तरह डेथ कहाँ होगा और किस वक्त होगा, ये भी डिसीजन हमारे हाथ में नहीं, वो डिसीजन उस एनर्जी के पास। लेकिन बर्थ से लेकर डेथ तक की जर्नी, जिसको कहते हैं जीवन, जिसको कहते हैं लाइफ, वो हमारे हाथ में है। कैसे जीना वो हमारे हाथ में है, और वो हम एवरी मोमेंट लिखते जा रहे हैं। हमारा एक कदम पिछले दूसरे कदम की तैयारी दिखाता है। तो हमने पहला कदम जो लिया, जो लिखा, उसी की बुनियाद पे दूसरा कदम है। मतलब हमारा जो आज है वो कल की बुनियाद पे खड़ा है, और आने वाला कल भी आज की बुनियाद पे खड़ा है। इसलिए डेस्टिनी कैन बी रिटन, वापस लिखी जाती है। आप समझिए कि एक कोयले के खान में खड़े हैं, उसमें से पास होना है। कपड़े हमने सफेद पहन के रखे हैं, कोई दाग न लगे, इस तरह से पास होना है। इसको कहते हैं जीवन। एक रास्ते पे चल रहे हैं, एक तरफ पत्थर है, एक तरफ डायमंड है, हमारे पीछे एक बैग है, उसमें कलेक्ट करते जाना है। तो हमने डायमंड कलेक्ट करना है या पत्थर कलेक्ट करना है, ये हमारी चॉइस पे निर्भर करता है। यही डेस्टिनी है, यही डिसाइड करेगा कि जब हम हमारे पीछे जो कलेक्ट किया हुआ जो बैग है उसको खाली करेंगे तो उसमें से क्या पाएंगे। तो एवरी मोमेंट, एवरी थॉट और हर सांस हमें सावधान रहना है कि जीवन में हम क्या कलेक्ट करते जा रहे हैं। इसलिए डेस्टिनी इज रिटन, बट इट कैन बी री रिटन। थैंक यू फ्रेंड्स।